वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर रुचिवर्धन मिश्र के निर्देशों के पालन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देहात धर्मराज सिंह मीणा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बेटमार डीपीएस चौहान व उनकी टीम द्वारा दो आरोपियों को कच्ची महुआ हाथ भट्टी की अवैध 60 लीटर शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शराब की कीमत करीबन 2400 रुपये बताई गई है। थाना प्रभारी डीपीएस चौहान को मुखबिर की सूचना के आधार पर दो व्यक्तियों को जिनके पास दो पहिया वाहन बिना नंबर से दो ड्रमों में भरकर बेचने के लिए धार की ओर से बेटमा की ओर जा रहे थे, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए थाना उप निरीक्षक बिहारी सावले तथा जगदीश भाबर को रवाना किया। उनके आते ही घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। दोनों के नाम पूछने पर एक ने गोवर्धन पिता मंगर सिंह वसुनिया उम्र 19 वर्ष व नरभू पिता जहर सिंह वास्कले उम्र 18 वर्ष का होना बताया। जब इन मोटरसाइकिल पर टंगे दोनों ड्रमों को चेक किया तो उनमें कच्ची महुआ हाथ भट्टी की अवैध शराब करीब 60 लीटर जिसकी कीमत करीब 2400 रुपये होना पाई गई, जिस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अब आगे की पूछताछ की जा रही है। बेटमा से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। के आसपास पुलिस को थाने पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि धार तरफ से दो व्यक्ति काली पल्सर बिना नंबर की उससे अवैध शराब लेकर इंदौर तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस द्वारा घेराबंदी कर मोथला फाटक बिना नंबर आ रही पल्सर को रोक कर उसको चेक करते हुए उसके दोनों तरफ ड्रम टंगे हुए थे, उसमें करीबन 7 लीटर महुआ हाथ भट्टी कच्ची शराब थी। इस पर उनके नाम पत्र पूछते हुए उन्होंने अपने नाम गोवर्धन और नरभू बताया। नरभू जो धार जिले के बाग टंडा के रहने वाले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उज्जैन आरओ एसोसिएशन के पद